गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आई एम ए कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेकेंड चैप्टर व्हिच इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज माय सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हियर यू कैन सी द कंटेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, टुडे वी विल डिस्कस द लैंग्वेज प्रोसेसर। हियर यू कैन सी द लैंग्वेज प्रोसेसर। ए कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ओके, विच ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस। दिस लैंग्वेजेस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लर्न। ऑन द अदर हैंड देयर आर स्पेशल लैंग्वेजेस सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक बेसिक C++, C and Java. These languages are easy to learn and understand. That means one is low level language, one is high level language. The computer can only understand the low level language, which is binary language or machine language. And the other hand, the high level language is easier to understand and to learn. Okay, that means the high level language, some example of high level language is C, C++, Java, basic, okay, etc. That means one is high level language, one is low level language. Computer can understand only machine language or binary language, which is called low level language, and the high level language is easier. These languages are C, C++, Java. Okay, so next thing is the high level language programming can be easily translated to into the machine languages. Okay, that means the high level language is easily translated to the machine language. We all know that computer only can understand the machine language or binary language or the low level language. The high level language can be easily translated into the लो लेवल लैंग्वेज, ओके, और मशीन लैंग्वेज। ओके, मतलब कि हम लोगों का जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो इजी है सीखने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल में ईजी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके, हियर आर सम लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक असेंबलर, इंटरप्रेटर, ओके, कंपाइलर। ओके, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ दिस कंटेंट, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ओके, दिस ट्रांसलेटर आर नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, तो सो लैंग्वेज प्रोसेसर मीन्स असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। ओके, हियर यू कैन सी द असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। ओके, सो assembler, interpreter and the compiler. So move on to next. Here you can see the different types of language for translator. Number one is assembler, number two is compiler and number three is interpreter. So assembler, this language processor translate a program written in assembly language into machine language. That means assembler translate the programming written in assembly language into machine language. Okay, assembly language to machine language को assembler translate करता है। Okay, assembly language में वो program पहले लिखा होगा, उसके बाद वो machine language में translate करेगा। कौन करेगा? Assembler। Okay, consist of machine language consist of difficult to learn एंड द मशीन डिपेंडेंट। ओके, दिस लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है और इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। कौन करेगा? असेंबलर करेगा। नेक्स्ट इज कंपाइलर। दिस लैंग्वेज प्रोसेस कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड द एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। ओके, दैट मीन्स कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक बार में ही क्या करेगा? वो ट्रांसलेट कर देगा। ओके, दिस इज़ द मेन यूजेज ऑफ ए कंपाइलर। ओके, कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। द लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ओके, लाइन बाय लाइन, दैट मीन्स इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन, हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे बहुत सारा लाइन होगा, वो क्या करेगा? इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन मीनिंग बोल रहा हूँ, उसी तरह से लाइन बाय लाइन उसको समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेट कर देगा। ओके, कंपाइलर क्या करेगा? एक बार में ही कर देगा। ओके, सो इंटरप्रेटर लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड इट। ओके,
So these are the main language processor, assembler, compiler and the interpreter. So next is utility softwares. Utility softwares to keep the computer efficient and trouble free. Okay, utility software computer efficient and trouble free. हम लोगों को बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा मिलता है जो कि हम लोगों को काम के लिए आसानी होगा, उसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ओके, नंबर वन इज कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूजिंग दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन इंक्रीज द स्टोरेज साइज ऑफ एनी कंप्यूटर बाय कंप्रेसिंग इट फाइल्स. द कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू ट्रांसफर ए बिग प्रोग्राम और कंप्यूटर फाइल फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्रेस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अगर मान लिया कि एक बहुत ह्यूज फाइल है, ह्यूज डेटा फाइल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करके उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्टोरेज जो है, मान लिया 2 MB का फाइल है, उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, उसको 500 KB में ले आएंगे. उसके बाद हम लोगों को इजी होगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे कोई कंप्यूटर में. ओके, सो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ दिस कंप्रेसिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. ओके, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, 7-Zip, WinZip, ओके, WinRAR, दीज आर द मेन कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. ओके, नेक्स्ट इज बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. It also advisable to take regular backups of important data and program stored in the computer. In case of any damage of the computer, the backup files can be restored. The backup utility software facilitates taking regular backups of important files and the folders. That means हम लोग कोई भी अगर बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम लोगों का डेटा क्या होगा, वहाँ पे सेफ रहेगा, हम लोगों का डेटा सेफ रहेगा. अगर बाय चांस कंप्यूटर में कुछ भी टेक्निकल इशू होगा, कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या करेंगे, हम लोग डेटा लॉस कर सकते हैं. लेकिन अगर पहले से ही हम लोग का डेटा अगर कोई भी बैकअप सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने भेज के रखा है तो हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं वहाँ से. ओके, दिस इज़ व्हाई वी यूज़ द बैकअप सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो नेक्स्ट हेयर यू कैन सी डिस्क डिफ्रेगमेंट्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओके, डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम फाइंड्स अ फाइल टू लार्ज टू स्टोर इन ए सिंगल लोकेशन, दैट मीन्स अगर कंप्यूटर को लगेगा कि कोई फाइल बहुत बड़ा है एक कोई कहीं पे भी स्टोर करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इट स्प्लिट्स द फाइल्स एंड स्टोर इन टू द स्पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. ओके, उसको तोड़ देगा, तोड़ के अलग अलग जगह पे रखेगा. दिस सिंपली मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फाइल आर स्कैटर्ड अक्रॉस द हार्ड ड्राइव. दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंट्स फाइल्स रिक्वायर सम एक्स्ट्रा टाइम टू बी ओपन एंड स्लो डाउन द सिस्टम. दी डिस्क डिफ्रेगमेंट्स डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्पीड ऑफ द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर बाई रीअरेंजिंग फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन द डिस्क. ओके, दैट मीन्स वो कंप्यूटर लार्ज फाइल होगा तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, उसके लिए क्या करेगा डिस्क, क्या करेगा उसको अलग अलग करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव में स्टोर करेगा, और उसके लिए उससे क्या होगा, हम लोग का कंप्यूटर स्लो नहीं होगा. ओके, सो दिस इज़ द मेन यूजेज ऑफ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट इज एंटीवायरस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर. A computer virus is a program that destroys your computer. Okay, that means a computer virus हम लोगों का computer को क्या कर सकता है, damage कर सकता है, file loss हो सकता है, computer बंद हो सकता है. Okay, the antivirus detection and the protection utility software controls the entry of the any unwanted programs into the computer system. That means हम लोग का जो antivirus software होगा वो कोई भी unwanted file जो कि computer में ज़रूरत नहीं है, कोई भी virus हो, कोई भी malicious सॉफ्टवेयर हो, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. इससे क्या होगा, हम लोगों का कंप्यूटर सेफ रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा. ओके, दिस इज द मेन यूजेज ऑफ एंटीवायरस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज डिस्क स्कैनर यूटिलिटी. समटाइम्स यू मे नोटिस दैट सम फाइल्स ऑन द कंप्यूटर कैन नॉट बी रीड. दिस मे हैपन ऑन द सेवरल रीजन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिगेन डैमेज और सम पार्ट ऑफ द डिस्क. दिस डिस्क स्कैनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्कैन द डिस्क सर्फेस फॉर डिफेक्टिव defects and the mark those section of prevent rewriting and the data loss. Okay, here you can see the picture of this disk scanner utility. हम लोग के कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसा फाइल रहता है जो कि काम ठीक तरह से काम नहीं करता है, उसी फाइल को ठीक करने के लिए और उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, disk scanner utility को यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द मेन यूजेज ऑफ disk scanner utility सॉफ्टवेयर.
Here you can see the some inside question answer of the following chapter. Define software, define system software with example, define operating system with example. In my first video, I already have discussed this question. Write the function of an operating system, write the different types of operating system. Write what is the device driver, what is the uses of device driver. Here you can see number 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, number 8 to 13. Number question, what is language processor? What is language processor? What is the different types of language translator? Write the uses of utility software, some example of utility software. What are the main purpose of uses of antivirus? Write the uses of backup software. These are the question of your homework. Okay, all of you find the answer from the textbook. Okay, from your textbook, and write the question answer on your computer copy. This is your homework. Okay, all of you need to write this question answer on your computer copy. Okay, and as I told you that I would provide all the question answer as a PDF. You need to click the link on in the YouTube description box, and the PDF will automatically download it, and then you can easily write the question answer from the PDF. And the computer copy carries 30 marks, so all of you should write all the question answer on your computer copy, and also learn the chapter inside and outside exercise question answer. Okay, both inside and exercise question answer. And number question number 8 to 13 of your inside question answer, this is your homework. Okay, all of you need to find this answer of a from the book, and write the question answer on your computer copy. So I am ending the discussion here. I will continue the chapter in my next class. Okay, next video. So till then, goodbye, take care, and thank you.